सेवन टाइप्स ऑफ कंपेन इन फेसबुक एड जिनको यूज़ करके आप अपने सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आपका जो एड काउंट है, जो आपकी सेल है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती रहती है। तो कौन सी वो सेवन टाइप्स ऑफ कंपेन है जिनको आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए अगर आप जो है अपने सेल इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, या आप अपने जो स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर है, शॉपिफाई स्टोर है, उसको आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, उसको आप ग्रोथ फेज़ में लेके जाना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर देना जिनका शॉपिफाई स्टोर है या ई कॉमर्स जिसमें वो वर्क कर रहे हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे से कोई सर्विस लेना चाहते हैं, डन फॉर यू सर्विस अगर आप मेरे से चाहते हैं, मीन कि आप मेरे से मेरी सर्विस चाहते हैं कि मैं आपके लिए एड्स रन करूँ, आपके स्टोर के लिए एड्स रन करूँ, तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं फेसबुक एड्स बेसिक टू एडवांस लेवल, तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेवन टाइप्स ऑफ कंपेन, ये सात कंपेन ऐसे हैं जिनको यूज़ करके आप जो है अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। कौन सी है? पहली जो है वो एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन है। ये मैंने इस पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं और इस पर अच्छा रिजल्ट मिलता है लोगों को। तो इस पर जो है आप अगर ये कंपेन यूज़ करते हैं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन, तो आप जो है एक अच्छा सेल निकाल सकते हैं। अगर मैं एडवांटेज पर शॉपिंग कंपेन का आपको इंट्रोड्यूस करूँ तो ये जो है एक एआई बेस्ड कंपेन है। इसमें जो है फेसबुक जो है अपना एआई यूज़ करके आपको सेल निकाल के देता है। तो इसमें जो है आप आपके जो रोल है वो कम होता है, लेकिन फेसबुक का रोल ज़्यादा होता है इसमें। तो एडवांटेज पर शॉपिंग कंपेन जो है ना, इससे आप अच्छा सेल निकाल सकते हैं। तो एक कंपेन ये आप लाजमी यूज़ किया करें। उसके बाद डायनामिक एड्स, इसमें डायनामिक क्रिएटिव एड्स भी आप कह सकते हैं, और इसके अलावा डायनामिक एड्स जो है वो आप गूगल कैटलॉग्स बना के भी, फेसबुक कैटलॉग एड्स के थ्रू भी आप रन कर सकते हैं। तो डायनामिक एड्स जो होते हैं ये पर्सनलाइज एड्स होते हैं, मीन कि अगर आपकी वेबसाइट पे 100 लोग जा रहे हैं तो हर बंदा डिफरेंट लैंडिंग पेज पे उसने विजिट किया होगा, इंट्रैक्शन किया होगा प्रोडक्ट के साथ, तो आप हर प्रोडक्ट्स की डिफरेंट ऑडियंस नहीं बना सकते। तो उसके लिए आप डायनामिक एड्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो है फेसबुक के पास इतना डाटा होता है कि उसको पता होता है कि अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं तो हर बंदा किस प्रोडक्ट के साथ उसने इंटरेक्ट किया, तो उसको वही प्रोडक्ट ही दिखाएगा। अगर आप मैनुअली अगर आप देखें ना, तो अगर आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जो है व्यूअर किस प्रोडक्ट पे गया। लेकिन जब आप डायनामिक एड्स यूज़ करते हैं तो इससे जो है आप पर्सनलाइज एड्स बना के आप उस शख्स तक पहुंच सकते हैं जिसने आपके प्रोडक्ट से इंटरेक्ट किया है। तो ये भी बेस्ट है, रीमार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसके बाद आ जाता है सीबीओ बिडिंग। सीबीओ बिडिंग जो है ना, ये भी बहुत अच्छा है कि आप जो है अगर बिड लगाना चाह रहे हैं तो आप सीबीओ लेवल पे आप अपनी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टोर जो है ना वो इनिशियल स्टेज पे है, ठीक है, आपके पिक्सेल के पास आपका डाटा नहीं है, तो आप जो है फिर जस्ट सीबीओ यूज़ करें, बिडिंग एक ऑटोमेटिक बिडिंग यूज़ करें। अगर आपके स्टोर पे आपके पिक्सेल में डाटा है तो फिर जो है आप सीबीओ विद बिडिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शॉपिंग एड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कलेक्शन एड्स आ जाते हैं, जिसमें कैरोसेल एड्स आ जाते हैं, और शॉपिंग एड्स में और भी काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं। तो मेन जो है वो कैरोसेल है, शॉपिंग एड्स हैं, और इसके अलावा कलेक्शन ऐड है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस में आप रिटारगेटिंग एड्स चला सकते हैं, रीमार्केटिंग एड्स चला सकते हैं, अपसेलिंग एड्स आप चला सकते हैं। तो इसमें ये डिफरेंट एक स्ट्रेटजी है, अगर आप सिर्फ कस्टम ऑडियंस को लेकर चलते हैं तो ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज बन जाती है टारगेटिंग की। उसके बाद लुक लाइक ऑडियंस है। लुक लाइक ऑडियंस आपको पता है कि अगर आप कोई डाटा देते हैं फेसबुक को, तो फेसबुक उस जैसा जो व्यूअर्स हैं या कस्टमर हैं वो आपके लिए फाइंड करके लाती है, इसलिए कहा गया लुक अलाइक ऑडियंस। तो इसमें आपके पास कस्टम ऑडियंस होनी चाहिए, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रीमार्केटिंग ऑडियंस। रीमार्केटिंग मीन कि जो आपका प्रोडक्ट ले चुके हैं उनको भी आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट पेज पे विजिट किया लेकिन उसको बाय नहीं किया, तो उनको आप दोबारा से ऑफ़र दिखा सकते हैं। तो
तो ये 7 टाइप्स की कंपेन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और लाजमी यूज़ करें, कर सकते नहीं, आप इसको लाजमी यूज़ करें अगर आप जो है अपने स्टोर को ग्रो करना चाहते हैं। मोस्टली लोग जो है ना जस्ट वो पहले फेज़ में ही फंसे रहते हैं, टेस्टिंग फेज़ में, तो अगर उनको विनिंग एड्स मिल भी जाता है, आइडेंटिफाई वो कर भी लेते हैं, उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस तरह से अपनी कंपेन्स को ग्रो करें, अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो ये 7 टाइप्स की कंपेन है जिनको आप स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हैं, इनको आप टेस्ट कर सकते हैं अपने विनिंग एड्स के साथ, तो ये आपको अच्छा परफॉर्म देंगे।